एक काम कर, तू बैठ जा, मैं चलाता हूँ उसको, ठीक है? अरे पकड़ 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 पकड़, चल भाई चल, अरे अच्छा पकड़ लेता हूँ। पुत्री मुर्गियों, एक दूसरे के रोके सबके साथ। सो वेलकम गाइस टू न्यू डे न्यू व्लॉग। आज की सुबह हो रही है 2 बजे से, मतलब अभी तो बजे हुए वैसे 12, रात के 11-12 बजे हुए हैं। एक बाबा को छोड़ने आए थे पड़ोस के, उनकी ट्रेन का टाइम था 11:30 बजे, लेकिन यहाँ नहीं पता चला कि वो 12 बजे की, मतलब 2 बजे की है। तो अभी यहाँ स्टेशन पे है, पता नहीं 2 बजे तक टाइम कैसे काटेंगे, समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। तो पहले जाकर कुछ खाने पीने का लेता हूँ, मेरे को भूख लग करके क्याड़ी। पहले गाड़ी वहाँ खड़ी हमारी पार्किंग में, वहाँ से गाड़ी उठा के यहाँ ले आता हूँ, फिर बात करता हूँ। 2 बजे तक हम सिर्फ ये दूध तो पी के नहीं काट सकते ना, क्या करना पड़ेगा। बाबा के साथ मजाक करते हैं, चल बाबा के साथ मजाक। बाबा मान ले, सही कह रहा बाबा, मैं पेल देगा भाई, बाबा से दूर रहो और सतर्क रहो, दूध पीते रहो। पहला दिमाग खराब रहा बाबा का, आगे कब छोड़ गया ट्रेन। बाबा बुआड़ा उधर से बोला, वो हिंचो 2 बजे तक हम क्या करूंगा इधर ट्रेन पे, हमारा दिमाग चकरा जाता है भीड़ देख के। बाबा मैं देख रहा, देखो गाड़ी में बैठे हुए, गाड़ी में बैठे हुए देख रहे हैं। और भाई बाबा की वो क्या पॉइंट मारते हैं। तो गाइस जो है ना, काफी देर से लड़ाई हो रही है, उसने शायद उसकी सवारी मार ली, अब तो लड़ रहे हैं ये लोग। तो भाई काफी देर से वो पीछे लड़ रहे थे, तो मेरे को दिक्कत हो रही देखने में, वो बिल्कुल सामने आ गया, यहाँ लड़ रहे हैं। और हमने पिज्जा मंगा रखा है, पिज्जा खाते खाते मूवी देखेंगे। तो भाई गैंग बुला ली लोगों ने, तो अपनी गैंग आ गई गैंग। तो भाई कल 10 बजे के आए हुए, आज सुबह 3 बजे ट्रेन आई है, अभी भी आई नहीं है, 3:30 पे आएगी। तो भाई बाबा गम में है, बाबा जा रहे हैं घर, सुबह के बज गए हैं 3। बाय, जय सिया राम। बाबा को वहाँ बिठा दिया है, चलो भाई हम घर चलते हैं, जय सिया राम। तो बस सुबह के भी बजे 8:30-9 बजे की अपलोडिंग है मेरी, शेड्यूल करी है मैंने ब्लॉग की, 9 बजे को अपने आप अपलोड हो जाएगा, शेड्यूल कर दिया है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ घर, जस्ट अभी अभी एडिटिंग से उठा था मैं, तो ये रही अपनी दोनों की गाड़ी, तो वो लेके जाएंगे आज, कहीं शूट है और हम होली खेलने वाले हैं आज, मस्त जगह बताता हूँ अगर वीडियो में देख रहे, कितनी मस्त जगह है, एक नंबर की जगह है। अगर अगर आप लोगों ने देख भी ली होगी तो वहाँ वो लोग शूट भी करेंगे और अपन होली भी खेलेंगे, एक नंबर मस्त मजा आने वाला है। तो अभी मैं सोया नहीं हूँ पूरी, मतलब कल से मैं सोया ही नहीं हूँ, अब चल रहे सीधा घर, घर ना के फिर मिलते हैं आप लोगों से, हमसे ही मिलेंगे, ठीक है। नरेश की जय। तो गाइस 1.5 घंटा अभी बज रहे 11:30, 1.5 घंटा ड्राइव करके मैं यहाँ पहुँच जाऊँ, मतलब कल से ड्राइव ही कर रहा हूँ। तो अभी जाएंगे मंदिर में, हर साल हमारी जोत लगती है होली पे यहाँ पे, तो खाटू नरेश की, खाटू श्याम जी की, आप लोगों की लगती है कहीं ना कहीं गाँव में, तो अभी अंदर मंदिर में जाते हैं, फिर बाहर आके देखते हैं आपको, आपसे मिलते हैं, बाय। गाइज गाइज पूरा मेला है गाइज यहाँ पे, क्या 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 क्यों मैं नहीं दुलवाने वाला आप कहीं भी, चल सीधा। अरे भाई आपने मुझे फन टाउन लिया है होली खिलाने, चलो ना भैया राइड्स करते हैं, मुझे आएंगे। तो गाइस मैं आया हूँ होली खेलने फन टाउन के अंदर, अगर आप लोग भी आना चाहते हो ना जल्दी से विजिट करो यहाँ पे, बड़ा मस्त है। या वाटर पार्क ना भर भर के, अभी हम वाटर पार्क में जाएंगे और ना जगह झूले दिख रहे आप लोगों को, इन पर राइड भी करेंगे। ये देखो ये छोटे बच्चों के लिए है, हमारे लिए बड़े झूले भी है, उन पर राइड करेंगे हम। चलो चलते हैं और फन टाउन का मजे लेते हैं, हम होली भी खेलेंगे यहाँ पे। अरे वो राइड है, उसमें मजा, स्विमिंग पूल ये है, पता तेरे को, इसमें वॉलीबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल दे रही, वॉलीबॉल वो रही, वाह। तो गाइस ये बहुत गहरा है, इसमें जा नहीं सकता इसमें, वो क्या कर रहा है, ओए तो मत मार, भिगा दिया, मत खेल। अरे यार मत करना। अरे भैया वो ट्रेन चलते हुए है, ऐसे स्टाइल के लिए खड़ी कर रखी है यार, डराने के लिए। ट्रेन कौन सी ट्रेन? अरे हाँ भाई यार ट्रेन है, देखियो। अरे इसका रूट भी कितना लंबा है, वहां से वापस फिर यहाँ आती है। एक काम करते हैं, पहले सारे ना झूले झूल लेते हैं, फिर चलेंगे वाटर पार्क में, ठीक है? हाँ भैया ये बिल्कुल सही है, चला जा। अरे
एक काम कर, तू बैठ जा, मैं चलाता हूँ इसको, ठीक है? विश्वास नाम की तो चीज ही नहीं है इसमें। अरे भाई देखियो, वो भी मस्त है, वो घूमने वाला, उसे बैठे घूमे दोनों के दोनों। नहीं भाई, बाद में घूमेंगे। जैसे वो चल रही ना हमारे पीछे पीछे, अरे वो चल रही है। अरे पकड़ 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 पकड़। चल भाई चल, अरे कुछ नहीं होगा, अरे कुछ नहीं होता उसमें। चल 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 चल। अरे भाई मैं तो सही हूँ, उसको देखना। वो जितने स्टार्ट हो गया चिंता करते कमांडो ट्रेनिंग में होता है, तू कर लेगा ना तो तू कमांडो बन सकता है। चल करके दिखा मेरे को, जा। कर गया। वो भाई वापस भी आ गया। अरे 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 अरे, अब इसके नीचे से निकल, अब इसके नीचे से निकल। चल जल्दी 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 जल्दी, गुड गुड गुड, वेरी गुड, जा जा जा। वो भाई बिल्कुल ऐसा चल रहा है आर्मी वालों की तरह। ओ निकल गया निकल गया निकल गया। ओ भाई साहब तो गाइस मैं तैयार हो गया मोतीपुर में जाने के लिए। मैं खेल दिखाऊँ आप लोगों को, तब ऊपर देखो कितना ऊंचा है। मार से धरती पे आऊंगा। भाई बहुत खेल लिए छोटे मोटे झूलों के साथ, अब जाते सीधा वाटर पार्क में। क्या बोलता है चेतन? मैं कब से कह रहा हूँ आप लोग ही नहीं जा रहे, मैं तो तैयार बैठा हूँ। कब से छोटे छोटे इस पे झूलने लग रहे हो? चलो गाइस सीधा वाटर पार्क में चलते, चलो भागो। अरे हंसी दे हो गए। तो गाइस अब हमारा हो चुका पैकअप, हम जा रहे हैं घर पे और ठंड लग रही है हमें गाड़ी में, गाड़ी के अंदर भी गाड़ी शीशे भी सब बंद कर लिया हमने, शाम को भीगे ना तो अभी घर चल के नहाएंगे पूरी, मतलब ऐसे खुजली खुजली हो रखी है, पता कैसे कैसे लोग कितने लोग नहाते होंगे वहां पे। ये सोएगा, मैं सोया भी नहीं हूँ, अभी एडिटिंग करूँगा जाके वापस आज के व्लॉग की, फिर आज के व्लॉग की एडिटिंग करके आराम से सुकून से सोऊंगा। तो चलो अभी चलते हैं घर, नहाते हैं, नहाने के बाद कमांडो निकालूंगा मतलब बाइक अपनी, नहा धो के हो गए रेडी अपा, तो अभी चलते हैं फ्लैट। और ना मैंने आज कमांडो भी नहीं चलाई है, तो एक काम करते हैं अभी थोड़ी देर ना मोटर व्लॉगिंग करेंगे, शाम को चलते हैं बाइक लेके कमांडो लेके चलते हैं आज ऑफिस, ठीक है? वहाँ जाके फिर मैं करूँगा एडिटिंग। तो
गाइस शाम को ना इसकी आवाज सुनने में अलग ही सुकून पहुंचता है दिल को कि हाँ सुन ली इसकी आवाज़। बस पूरे दिन मैंने आज शाम को निकाली है और देखो कैसे ये डॉगी को लेके जा रहा है, शायद इसको फीड करवाने ले जा रहे होंगे, कैसे रिएक्ट कर रहा देखो। तो गाइस ये खड़ी अपनी धनों में आया था मार्केट फोन की दुकान पर कुछ काम, और काम तो हो गया वैसे, अब चलो चलते हैं। वाह क्या ऐसे एक बार ऐसे करती ना झूम झूम फील आती है मस्त। चलो भाई चलो चलो एक यार ये थोक के भाव में ना कॉन्ट्रैक्टर ये डीलर जो ना ब्रेकर बना देते हैं, ये फिर ना रेस बनाने में हमें दिक्कत करते हैं, पिकअप ही नहीं मेरे पता है बाइक का। अब देखो क्या पिकअप बना था, कुछ पिकअप ही नहीं बना था, कुछ पिकअप बना ही नहीं था। देखो फिर आ गया एक यार, मतलब फिर हम इतनी महंगी बाइक लेते क्यों है यार। ये मकोड़े है ना ये मोटे मोटे मकोड़े, मतलब मैं ऑटो उसको मकोड़ा बोलता हूँ, ये है ना बहुत परेशान करता है। बाइक चलाते हो गाड़ी चलाते हो आगे आ गया, किसी भी कोई टाइम नहीं देखते, कुछ एंगल नहीं देखते, शीशा तो उनका ना ही बराबर होता है, फिर शौक के लिए देखते हैं शीशा। तो ये मिरर बिना मिरर में देखा कहीं भी टर्न मार देते हैं, कहीं भी रोक देते हैं, सवारी देखी रोक दिया। अरे देख ओ भाई आप इनको भी क्या बोलूँ, अभी तो मैं ऑटो वाले को बोल रहा था इधर कैसे टर्न मारा एकदम से। वैसे मैं बता रहा था ना मैं रूटीन बन गया अब तो भाई, सुबह मतलब 7 बजे के बाद तो मुझे नींद ही नहीं आती, और रात को 2 बजे से पहले मुझे नींद नहीं आती ढंग से। अगर लेट भी जाऊँगा ना बेड पे तो मुझे नींद नहीं आई, क्यों मैं 2 बजे तक तो 3 बजे तक सीक्वेंस लगाता रहता हूँ अपनी वीडियोस के। हाँ ये इसमें यहाँ लग ये लगना चाहिए, इसको काट दो, या ये म्यूजिक लगा दो, चलो या इफेक्ट लगा देते हैं, इसको ऐसा रील की जैसे बना देते हैं, तो ये करता रहता हूँ मैं सब 2 बजे तक तो यही होता है मेरा। फिर म्यूजिक लगाता तो सुबह 7 बजे उठता हूँ, क्योंकि फिर अपलोडिंग करनी होती है, अगर कॉपीराइट आ गया हो या फिर कुछ भी आ गया हो वो हटाओ। तो अब तो भाई लाइफ ऐसी हो गई, लोग कहते हैं ना ब्लॉगर्स की ज़िंदगी बहुत आसान है, यूट्यूबर बन जाओ बहुत आसान है, पैसा आ जाएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है कुछ भी, एक कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए ना बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और वो टूट गई ना तो फिर अंदर से दर्द होता है कि यार इतना काम किया रेगुलर थे यार वो कंटिन्यूटी टूट गई, तो वो दर्द नहीं चाहते हम। और बाकी मेरे को इसका मीटर बड़ा अच्छा लगता है, कितना प्यारा सुकून भरा ऐसा, आपको बताओ कमेंट करके बताओ कैसा लगता है इसका ये मीटर। चलो तो चलो गाइस सोसाइटी आ गई है, अब चलते हैं फ्लैट और फिर करेंगे एडिटिंग। तो कल मिलते हैं न्यू डे न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।